टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। आज जब आपने सुबह पेपर पढ़ा होगा अखबार, तो अखबार की जो सुर्खियां थी, जो खबरें थी, उन खबरों ने आपके दिल में मन में एक उत्साह पैदा किया होगा और एक हलचल पैदा की होगी, क्योंकि खबर वो थी जिसका आप पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। UPSI यानी कि उप निरीक्षक की परीक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी आपको पेपर के माध्यम से दी गई। कुछ पेपर की कटिंग जैसे कि मैंने सामने लगाई हुई है, लिखा था आप पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे कि कहीं हम ओवर एज ना हो जाएं, तो सारी चीज़ों को सुलझाते हुए, परीक्षा प्रक्रिया को सुलझाते हुए और UPSI की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि अगले महीने विज्ञप्ति जारी होगी और नवंबर में इसकी परीक्षा होगी और फरवरी में दौड़ होगी, है ना। सभी पेपर्स में जैसे अमर उजाला की खबर है कल की और आज अगर देखें तो ये यहाँ पे देखिए, उपनिरीक्षक भर्ती 2019 नवंबर में परीक्षा और फरवरी में होगी दौड़, क्लियर। तो ये जो है आपको जानकारी दी गई है। तो अगर नवंबर में परीक्षा होगी और हम मान लें कि परीक्षा की तिथि 15 नवंबर आपकी है, तो 15 नवंबर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आज से लगभग लगभग केवल 75 दिन ही शेष है। 75 दिन शेष है हमारे पास आज से, है ना। तो 75 दिन शेष हैं, तो हमारी टीम ने अपनी योजना बना ली है, रूपरेखा बना ली है और आज से ही हम लोग इसकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर रहे हैं। आज रात के 9 बजे से मैं करंट अफेयर्स की क्लास के माध्यम से, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पिछले 8 महीने का पढ़ना है, तो आज रात 9 बजे से मैं करंट अफेयर्स के माध्यम से आपके UPSI का श्री गणेश कर रहा हूँ, शंखनाद कर रहा हूँ। और प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी वो 25 तारीख को आपको बताया जाएगा, लेकिन 25 तारीख तक लगातार हम लोग नित्य दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से आपको बैच से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करते रहेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी 25 तारीख सोमवार को आपको दी जाएगी। आप बिल्कुल कमर कस लें, बिल्कुल तैयार हो जाएं, हम लोग भी तैयार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार परीक्षा के जो पाठ्यक्रम से लेके प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन हुआ है। पहले आप प्रारंभ को मुख्य 2 परीक्षा देते थे, इसके बाद फिजिकल शारीरिक दक्षता और इसके बाद फिर आप लोग पास होते थे, लेकिन इस बार मुख्य परीक्षा को जैसे कि आप जानते हैं कि खत्म कर दिया गया है। केवल एक ही पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का और उस पेपर में 5 विषय ऐसे हैं, 5 विषयों की आपको मुख्य रूप से उस पेपर में तैयारी करनी है। मैं वो विषय भी बता दूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिंदी है आपका, हिंदी के बाद रीजनिंग है आपका, रीजनिंग के बाद गणित है आपका, गणित के बाद आपका मूल विधि और संविधान है जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है आपका, मूल विधि एवं संविधान, और लास्ट में आपका सामान्य अध्ययन है जिसको आप कहते हैं सामान्य ज्ञान। तो आपको बहुत पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए आपको पूरी हिंदी पढ़नी है। रीजनिंग का स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में UPSI से टफ रीजनिंग कहीं पूछी जाती है, आप भी अच्छे से जानते हैं। विगत वर्षों के पेपर को अगर आप लोगों ने देखा है तो आप इसको अच्छे से समझते हैं। तो रीजनिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप पूरे में पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं जैसे इससे पहले आपने अर्जित किए हैं, क्योंकि रीजनिंग आप मेरे साथ तैयार करेंगे। हिंदी के लिए अमरीश सर है, कोई दिक्कत नहीं। गणित के लिए इंजीनियर संदीप सर, कोई समस्या। मूल विधि एवं संविधान के लिए संतोष सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको उनके मूल विधि और संविधान के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और मूल विधि के लिए हम और भी ऐसे प्रयास करेंगे कि मूल विधि का एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, हो सकेगा तो मूल विधि के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस में स्वयं भी आपको कराऊंगा, ताकि मूल विधि से संबंधित कोई भी चीज आपकी गलत ना हो। और सामान्य ज्ञान, इसमें एक महत्वपूर्ण पोर्शन आपका करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स पूरा स्वयं मैं देखूंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आज समय आप वीडियो देख रहे हैं, आपको नवंबर में अगर परीक्षा देनी है तो आपको फरवरी मार्च से लेकर नवंबर तक का करंट तैयार करना है। तो आज रात के 9 बजे से ही आपको प्रतिदिन करंट की क्लासेज मिलनी, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से व्याख्यात्मक क्लासेज मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी और व्याख्यात्मक क्लास के माध्यम से आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। समय की कीमत को थोड़ा सा पहचानिए। जैसे कि देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, अगले महीने जारी होगी विज्ञप्ति, नवंबर में परीक्षा, फरवरी में दौड़। इस समय बहुत दौड़ धूप मत करिए, शारीरिक दक्षता पे इस समय ध्यान मत दीजिए, क्योंकि शारीरिक दक्षता को आप तब पास करने के लिए जाएंगे जब आप पहले लिखित परीक्षा की जो बैरियर है या लिखित परीक्षा का जो अवरोध है उसको पास कर लेंगे। तो लिखित परीक्षा का अवरोध आपका नवंबर में है,
अगर हम 25 तारीख से प्रवेश प्रक्रिया आपको बताएंगे तो निश्चित रूप से लगभग हम 1 तारीख से सारी चीज व्यवस्थित करके आपकी क्लास शुरू करेंगे। तो 30 दिन सितंबर के, 30 दिन अक्टूबर के और 15 दिन नवंबर के पूरी टेस्ट सीरीज के लिए और डाउट क्लासेस के लिए उस कोर्स को पढ़ने के लिए आपके पास केवल 75 दिन है। अब आप ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आएगा, क्योंकि फॉर्म अगर अगले महीने आया, जैसे कि आना ही है, 5000 से ज्यादा पद हैं, अगर अगले महीने फॉर्म आया इसका, तो आपके पास केवल और केवल 40-45 दिन रह जाएंगे इस इंतजारी के बाद। तो अब इंतजारी के दिन खत्म हो गए, इंतजारी के दिन खत्म हो गए और उतना ही समय आपके पास है जितना अनिवार्य है, क्योंकि यूपीएसआई के अगर हम पाठ्यक्रम को देखते हैं और विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र उसको देखते हैं, तो जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में केवल एसएससी और यूपी ट्रिपल एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग नहीं पूछी गई है। इसके अलावा अगर आपने पिछले वर्ष के पेपर देखे हैं तो उसमें इनइक्वलिटी और मशीन इनपुट आउटपुट भी पूछा गया है, डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी पूछी गई है। इसका मतलब बैंक पीओ के सिलेबस को भी उठा के यूपीएसआई में आपके पूछा गया है। तो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में केवल अंकगणित ही नहीं पूछी गई है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी और पाई चार्ट जैसे प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो परीक्षा का लेवल है इसको आप बिल्कुल कम नहीं आंक सकते और इतना शॉर्टकट नहीं है कि आप बहुत जल्दी में तैयारी कर लेंगे। हाँ, संभावित है कि सेशनल कट ऑफ को खत्म कर दिया जाएगा और अलग अलग सेगमेंट आपको पास नहीं करने पड़ेंगे। इसका मतलब है अगर आपकी गणित थोड़ी सी कमजोर है और रीजनिंग अच्छी है तो अलग अलग सेगमेंट अगर आपको पास नहीं करने हैं तो यहाँ पे इस बार आपको फायदा हो सकता है कि एक विषय में अगर आप पूरे से पूरे अंक अर्जित करें तो बाकी विषयों में जो थोड़ी बहुत कमी बेसी रह जाती है उसको आप एक विषय के अंकों से पूर्ण कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे हिंदी है, स्कोरिंग है, और रीजनिंग है आपका, स्कोरिंग है, मैथ है, स्कोरिंग है। मान लीजिए किसी के 3 में से 2 अच्छे हैं तो वो अच्छे स्कोर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसकी तैयारी की शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयार हैं, हम लोगों ने आपके यूपीएसआई के लिए रिसर्च शुरू कर दिया है। आलोक सर के निर्देशन में हम बेहतरीन तरीके से टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन संस्थान की ओर से ऑनलाइन बैच यूपीएसआई का हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक बार और बताया, तारीख आप लॉक कर लीजिए, 25 तारीख को केवल प्रवेश प्रक्रिया बताई जाएगी, बल्कि पढ़ाई लिखाई आपकी आज से ही प्रारंभ हो जाएगी और आज रात के 9 बजे से डेली आपको करंट की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। कल परसों नर्सों में अलग अलग टीचर अपने अपने सिलेबस को धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्लियर? तो अब आप समय को जाया ना करते हुए आज से ही एकदम जुट जाए। जैसे ही आपको सूचना मिली, हम अगर आज से देखें, तैयारी वो नहीं होती जो फॉर्म भरने के बाद शुरू की जाती है, तैयारी वो होती है जो फॉर्म भरने के पहले शुरू की जाए और फॉर्म भरने के बाद हम केवल रिवाइज करें। क्लियर? क्योंकि फॉर्म जब आएगा तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक? तो क्योंकि सिलेबस बहुत बृहद है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, कोई छोटा सिलेबस नहीं है, सब कुछ तो आ गया, सिलेबस में बचा क्या है। तो इन खबरों को अच्छे से देखिए, ये केवल चंद लाइनें नहीं है बल्कि ये आपका जो सपना आपने मन में पाला था, एक खाकी वर्दी पहनने का, टोपी कर लगाने का, सैल्यूट करने का, गांव प्रदेश देश में अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का, उस सपने को संजोने का, उस सपने को पूरा करने का एक समय आ गया है। हाँ, आइए साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से 1% की कमी भी नहीं रहने दूंगा। आप घर बैठे उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम से, ऑनलाइन का एक फायदा होता है, ऑफलाइन में जब आप जाते हैं तो केवल 4 घंटे की ही क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन में फायदा होता है कि वो वीडियो जब आपके पास आता है, अगर आपको एक बार कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को कई बार देखिए, हमारे वीडियो को आप 100 बार देखिए, हम लोगों के वीडियो को, तो कंफ्यूजन जब समय मिले तब देखिए। जैसे 7 से 11 आपका ऑफलाइन बैच है, हम 7 से 11 अगर बिजी हैं तो हमारी क्लास छूट जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में आपकी क्लास नहीं छूटेगी। 2.5 महीने समाज को, मित्र यारों को, सबको भूल के 2.5 महीने इन्वेस्ट करिए और 2.5 महीने बाद एक शानदार खाकी वर्दी, एक अच्छी टोपी और सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, जो न केवल आपको सामाजिक प्रतिष्ठा के दायरे में लाएगा बल्कि आपके परिवार के मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। और ये सपना आप 4 वर्ष से संजोए बैठे थे, आज इस सपने को पूरा करने का मौका आया है। तो सारी तारीखों को लॉक करिए और आज से ही आप लोग हमारे साथ शुरुआत करिए। एक सामान्य जानकारी थी कि हाँ, हम लोग तैयार हैं, अब आपकी बारी है।
कैसे आप इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कैसे इस बैच की सूचना ले सकते हैं और कैसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 6 नंबर दिए गए हैं, आप गौर से जाइए, 6 नंबर दिए गए हैं। केवल इन्हीं 6 नंबरों पर आप फोन करके यूपी बैसाई के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी संस्थान के पुराने नंबर हैं वो किसी भी नंबर पर आप अगर फोन करेंगे तो वो आपका फोन मान्य नहीं होगा। तो जैसे ही आप इन 6 नंबरों में से किसी नंबर पर हमारे काउंसलर के पास फोन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए 6 नंबर है, किसी के भी पास जब आप फोन करेंगे तो वो आप हमारे बैच में इनरोल हो जाएंगे। तो केवल आपको फोन उठा के फोन करना है, जो नीचे 6 नंबर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण 6 नंबर, आप उन 6 नंबरों पर फोन करके आप अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे एक रूपरेखा जान सकते हैं कोर्स की, कि आपकी रूपरेखा क्या है और कैसे। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि क्या क्या इसमें आपके शामिल हैं, मैं इस चीज को पहले ही क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे इसको अगर हम लोग देखें, ये जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें सारे लाइव क्लास, एक मैं आप जो है आपको बताते हुए जो है प्रसन्न हो रहा हूं, हम एकमात्र ऐसा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो कभी भी आपको रिकॉर्डेड क्लास या पुराने वीडियो नहीं देते, हम हमेशा आपको लाइव क्लास देते हैं और ऐसा करने वाले हम एकमात्र ऐसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब है आप लाइव हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम लाइव आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जब आप, अगर आप ही लाइव नहीं देख पा रहे हैं, आपको कोई व्यस्तता है, तब आप वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखिए, लेकिन हम लाइव आपसे इंटरेक्शन करते हैं, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एक भी क्लास प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर, लाइव क्लासेज हैं आपकी, सारे पीडीएफ नोट्स हैं, सारे पीडीएफ और क्लास नोट्स जो है आपको यहां से मिलेंगे। आपको कोई भी नोट्स में समय जाया करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाएगा उसके नोट्स और उससे जितने संभावित प्रश्न उत्तर आपके हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे। साथ में डाउट क्लासेज है और प्रैक्टिस पेपर के साथ जब आपका सब कंप्लीट होने पर आएगा सिलेबस, तो एक स्तरीय टेस्ट सीरीज, एक स्तरीय टेस्ट सीरीज मतलब प्रश्नों उत्तर की प्रैक्टिस तो हम कराएंगे ही, साथ ही साथ एक स्तरीय टेस्ट सीरीज आपको देंगे जो ऐसे ऐसे संभावित प्रश्नों पर बनाई जाएगी या संभावित पैटर्न पर बनाई जाएगी, जिससे लगभग लगभग 50-60% आप पेपर का आकलन अपना उसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। तो संपूर्ण लाइव क्लासेज है, पूरे पीडीएफ नोट्स इस पैकेज में शामिल है, आपकी पूरी टेस्ट सीरीज इस पैकेज में शामिल है और जितना भी एक बैच के माध्यम से होना चाहिए, जो आप अपेक्षा करते हैं हम लोगों से, वो सब कुछ इस बैच पे शामिल है। ठीक है, तो बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल कर लीजिए और कॉल करने के बाद, ठीक है, और आप इनरोल होइए बैच में। बाकी प्रवेश से संबंधित संपूर्ण जानकारी को 25 तारीख को आपको दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से आज इतनी ही जानकारी थी, बिल्कुल देर नहीं करिए, ठीक रात में 9 बजे मेरे साथ जुड़िए। आज से ही करंट अफेयर्स की रटलो सीरीज के माध्यम से व्याख्यात्मक करंट अफेयर्स में आपको तैयार कराता हूं और आज से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। टारगेट बथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको साथ बने रहने के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।